हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी बाय गॉड्स ग्रेस बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि हम हमारे फ्रेंड के यहाँ पर उनकी बर्थडे की डेकोरेशन करने के लिए जा रहे थे। सो हियर वी आर शोइंग यू द वे, वी हैड अ ब्यूटिफुल अमेजिंग राइड। गाइस, वी वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। क्योंकि गाइस, ये जो आने वाली वीडियो है ये बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पर ढेर सारे डेकोरेशन आपके साथ शेयर की है। So guys, that was my first reaction after arriving home. I know, it was way too much. But believe me, I was very upset because the color that I was expecting for the lantern was not the same. तो आगे बढ़ते हुए सारे बच्चा पार्टी जो है हमें हेल्प करने के लिए लग गए थे, एंड दिस इज़ हाउ द हाउस लुक्स राइट नाउ। हम हमारा सारा सामान जो है डेकोरेशन का वो लेकर आ गए थे और हमने जाते ही अपनी सारी डेकोरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी थी। सो यहाँ पर देख रहे हो आप, दैट इज़ द लैंटर्न। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट कलर। एनी विच वेज, हियर आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्रेम, अ बैकड्रॉप फॉर आवर फोटोज विच इज़ 7 feet by 4 feet. Look at this, guys. Who? Show me your face. Very busy, guys. Very, very busy. Look at the mess here as well. हमारे घर पर भी इतना ही mess था. And look at that. हमने जाते ही अपना कर्टन और ग्रीन फॉलिश लगा लिए थे गाइस, इट वॉज लुकिंग डैम अमेजिंग। इसकी लिंक जो है हमने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की थी। इन केस इफ़ यू वांट टू बाय इट, इफ़ यू थिंक इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल द कर्टन एंड द फॉलिश, देन यू कैन डेफिनेटली बाय इट फ्रॉम द लिंक। आई विल शेयर इट फॉर यू बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। यू हैव असाइंड वर्क टू एवरीबडी इन द हाउस। कोई हर कोई कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर रहा था वहाँ पर। एक कोने में वाटर बॉटल्स को डेकोरेट करने का काम चल रहा था, यहाँ पर हम एक सेंटर में कॉर्नर में हम डेकोर लगाने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर मैं जो हूँ जो हमारा जो फोटो बैकग्राउंड है वो बनाने की कोशिश कर रही थी। इट इज़ अ 7 feet by 4 feet बैकड्रॉप। यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल अकॉर्डियन डिज़ाइन का गाइस एक डेकोर बना रही हूँ। एंड रिज़ल्ट आप देखोगे तो आप बिल्कुल सरप्राइज रह जाओगे। इट केम आउट अमेजिंग। यहाँ पर थोड़ा रस्टिक लुक आया है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट एनीवेज काम तो करना था कुछ ना कुछ, तो हमने काम चला दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमने, यू वोंट बिलीव, फॉर दिस बैकग्राउंड वी मस्ट हैव क्रिएटेड लाइक मोर देन 200 फ्लावर्स। गाइस, यहाँ पर जो है हम हमारे टेबल को रोज़ गोल्ड कलर की जो रैपिंग पेपर है उससे हम कवर कर रहे हैं। इट लुक्ड अमेजिंग, एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल रिजल्ट केम आउट टू बी फॉर द कोरियन डिज़ाइन। आई होप यू लाइक इट। इसके अंदर हम बल्ब्स डालने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट अवेलेबल। दिस इज़ द कॉर्नर फॉर द गिफ्ट, द रिटर्न गिफ्ट जो हम देने वाले थे, उसके साथ हमने बॉटल पेयर अप किए। इट लुक्ड अमेजिंग, सुपर गाइस। यहाँ पर हम लोग अभी भी अपना जो बैकड्रॉप का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट करने में लगे हुए थे। इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम बट ऑल द बच्चा पार्टी हेल्प, एंड दैट वॉज द रीज़न वी वर एबल टू डू इट ऑन टाइम। और यहाँ पर हमने बैकग्राउंड में हमने अपना बर्थडे जो का जो बैनर है वो लगाने की कोशिश की है। और यहाँ पर हमारा जो ये डेकोर है गाइस, जो 7 feet वाला है, उसके अंदर हमने लाइटिंग लगा ली है। और दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू टेल यू गाइस, ये जो है ये पेपर फ्रेम्स हैं, और यहाँ पर मैं पेपर फ्रेम्स लगाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई हैड लेड आउट द डिज़ाइन ऑन द फ्लोर, एंड दैट्स व्हेन आई न्यू व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज नॉट। तो वी वर ट्राइंग टू गो अहेड एंड पुट इट ऑन द वॉल, एंड इट लुक्स सुपर्ब अमेजिंग। एंड रिजल्ट आप देखोगे तो आप बोलोगे कि नहीं है पेपर फ्रेम की, जो पेपर फ्रेम्स की बनी हुई फ्रेम्स है। इट लुक्ड सुपर्ब अमेजिंग। दिस इज़ स्टिल नॉट इन इट्स फुल ग्लोरी गाइस। इसके बाद हमने इस पर लाइटिंग और कुछ और डेकोरेशन किए। एंड तक वेट कीजिए, आपको फाइनल रिजल्ट हम बताते हैं। इट टर्नड आउट अमेजिंग, एंड दिस इज एक्चुअली कस्टमाइज्ड फ्रेम दैट आई हैड मेड फॉर देयर फैमिली
एंड आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट टू कम आउट दिस ब्यूटिफुल, बट द फैमिली लव्ड इट। और यहाँ पर जो है हमने एक और फ्रेम लगा दिए थैंक यू की, एंड उसके बाद हमने इस पर लाइटिंग लगाई थी एंड फ्यू मोर डेकोरेशंस एडेड, एंड देन यू विल सी इट इन इट्स फुल ग्लोरी। सो इट इज़ स्टिल नॉट कम्प्लीटेड एज येट, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। You can see it for yourself, and that is how it looked. Beautiful, beautiful, beautiful. I too loved all of the decor that we created, even the tiny knickknacks that we had created. It was looking amazing. और यहाँ पर हम एक पीस बनाने वाले थे गाइस, जो मैं घर पर भूल गई थी. I felt so bad that I forgot the decoration at home. But yeah, this is how it looked. This is how the entry looked like with the curtains and the happy birthday banner. And I loved it. Now let's give you a sneak peek of all the decoration that we did. I hope you like it as much as we did. रात के 11 या 11:30 बज गए, आई डोंट नो, आई डिड नॉट, इट्स 11:35। हम अभी जस्ट आपके शूज़ ही निकाल रहे हैं। अदी, कैन यू टेक माई शू? ओके, हम बस अभी घर के अंदर घुस रहे हैं। हम जो सुबह से निकले थे अभी आए हैं, वी आर वेरी टायर्ड। और घर पर आके हम देखते हैं कि कुकू ने हम लोगों के लिए सरप्राइज प्लान किया है। यानी हम किसी और का सरप्राइज प्लान कर रहे थे और यहाँ पर कुकू हमारे लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। आइए आपको दिखाते हैं कुकू ने क्या सरप्राइज प्लान किया हमारे लिए। वाओ, लुक एट दिस, लुक एट दिस, वाओ, व्हाट इज इट कके? ओह या, इट्स अ चीज़,
Oh, it's a cheese and cherry. Cheese fruit. Cheese bites. Oh my God, these are cheese bites, guys. And this is sandwich. And there's a sandwich. What? Oh my God. Who actually searched on Google. She went on Google. She searched. And she was searching snacks without fire. Wow. Thank you so much. क्या हम अभी किसी नहीं देंगे? हमको sanitize करना है पहले. हमको steam लेना है. We have to take shower and then we'll touch you. Okay? बहुत भूख लगी है वैसे भी क्योंकि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है. आगे सो यू कैन सी आई एम वेरी टायर्ड. लुक एट माई आईज, दे ऑल आर स्वोलन बिकॉज आई डिड नॉट स्लीप सिंस यस्टरडे. आई गॉट अप अर्ली, आई वर्कड एंड देन टुडे वी वेंट देयर एंड वी वर वर्किंग होल डे. और उसके बाद विदाउट हैविंग एनीथिंग आई जस्ट ड्रैंक कॉफी बिकॉज आई वॉज फीलिंग डिजी. मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे दो या तीन बार चक्कर आए बिकॉज सोई नहीं थी मैं काफ़ी. मतलब 36 आवर्स से ज़्यादा हुआ ना मुझे सोते हो गया. हाँ 36 आवर्स से हमको बहुत ज़्यादा हुआ सोके. नहीं मुझे मतलब काफ़ी टाइम हो गया सोकर एंड दैट इज़ रीज़न आई वॉज फीलिंग वेरी डिजी एंड आई कुडंट हैव एनीथिंग बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक बाइट भी कुछ खा लूँ या कुछ हो जाए तो मैं आई विल प्यूक बिकॉज ऑफ नींद की वजह से. सो यस गाइज, आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था एंड यू विल गेट टू सी ऑल द थिंग्स. बहुत ज़्यादा टायर्ड था बट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था. वी हैड लॉट बिल्कुल कुछ बोलने की ताकत नहीं है. वी आर वेरी टायर्ड, यू कैन सी आवर फेसेस, माय गॉड वी आर सुपर टायर्ड. बट हमने जो काम किया ना गाइस, उस काम की काफ़ी तारीफ हुई है. एवरीबडी लव्ड इट. सुपर डे, जो भी डेकोरेशन हमने किया था, किसी के बर्थडे को स्पेशल बनाया था गाइज, इट वॉज दिस वंडरफुल सेलिब्रेशन दैट वी हैड, वी वर अ पार्ट ऑफ इट. बहुत थक गए, अभी करते हैं व्लॉग को एंड. आपसे मिलते हैं कल. ये दिखाएंगे ना पूरा ड्रेस मैंने क्या पहना. आई विल शो यू गाइस, लुक एट दिस. प्रीति वो बंद कर. लुक एट दिस, प्रीति ने क्या पहना है आपको मैं बताती हूँ गाइस. ओके सो गाइस, दिस इज व्हाट प्रीति वाज. प्रीति वो दैट इज अ, इट्स लुकिंग लाइक अ स्कर्ट. कैन यू शो इट इफ इट्स अ सस्पेंडर. इट्स अ सस्पेंडर. यहाँ पर रखे हमारे ड्रेसेस. यहाँ गाइस हम लोग नीचे बैठ के काउच पे बैठ के कैसे भी हम लोग काम कर सकते. दैट इज द रीजन आई वाज वेयरिंग दिस टुडे एंड शी वाज लुकिंग वेरी प्रीती. And so was I. Yeah, she really got so many compliments and Preeti was looking very cute. I was like a celebrity and people are like, humko photo khichni hai aapke saath. Like, I want to click picture with you. I was like, why not? Guys, hum bahut thak gaye hain. We are very tired now. Ab I think it's time to end the vlog. So, yes guys, fir aapse milte hain hum kal. Okay, till then, good night. Take good night. Guys, subscribe to our channel, which is the Dhariwal Sisters Vlog. प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड गिव सो मच ऑफ लव गाइज. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. कीप सेफ, कीप लविंग अस एंड कीप स्माइलिंग. डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड पुट दैट स्माइल ऑन सम अदर्स फेस एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड वी द धारीवाल सिस्टर्स साइनिंग ऑफ टुडे. बाय बाय.